बड़ी ही दुखद घटना हुई है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, यात्रा पे कंट्रोल होना चाहिए, यात्रा कम से कम 25 से 30 हज़ार यात्रा जानी चाहिए। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि अगर 25 से 30 हज़ार यात्रा ही जाए वहाँ पे 24 घंटे में, 24 घंटे में 30 हज़ार यात्रा छोड़ते हो अगर आप लोग, 24 घंटे के अंदर 4 घंटे पूजा के लिए, 20 घंटे यात्रा, 1500 आदमी को 1 घंटे में यात्रा हो सकती है, और एक आदमी के हिस्से 2 सेकेंड आएंगे, 2 सेकेंड आएंगे। जो यात्री दिल्ली से आया है, जो यात्री महाराष्ट्र से आया है, जो यात्री गुजरात से आया है, जो यात्री देश के किसी कोने से भी आया है, उसके लिए 2 सेकेंड माता के द्वार में दर्शन करने लिए ज़्यादा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि 2 सेकेंड भी ठीक है, उसके अंदर अगर आपके कहीं कोई BVIP आ जाते हैं वो भी फिर उनको टेस्ट करना है। तो मैं ये समझता हूँ कम से कम यात्रा जो है 30,000 से ज़्यादा नहीं छोड़नी चाहिए ऊपर, और 30,000 पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए 30,000 यात्रा। और खुद मैं ये कहूँगा श्राइन बोर्ड ने जितने भी यहाँ पे कंपनियों वालों को ठेके पे दे रखा सब कुछ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंपनियाँ जो बाहर से आई हैं, जैसे यात्रा पर्ची कंपनी को दे दिया है, सफाई कंपनी को दे दिया है, जब किसी और कोई काम सिक्योरिटी जो प्रोवाइडेशन की है, मैं सोचता हूँ कि इनको इमीडिएटली उनसे संबंध तोड़ के अपनी भर्ती करनी चाहिए श्राइन बोर्ड को, और रोजगार लोगों को देना चाहिए, लोगों उनको देना चाहिए जिनको पीड़ा है, जिन्हें इस स्थान से दुख दर्द पहुंचा है। जो स्थान देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बारीदार कहाँ कहाँ रहते हैं, बारीदार ये माता की पहाड़ी है, बारीदार यहाँ पे रहते हैं, बारीदार पूरे तीनों चारों साइड में बारीदार रहते हैं, और बारीदारों की आबादी कोई ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 हज़ार जाते हैं, सारे की आबादी सारी हमारी यही है, और पिछले सालों से भी मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार भी, मैं कोई 25 हज़ार ही होगा, 25 रुपये कहूँगी, आज से कोई 5-6 साल पहले मैंने एक अपने तौर पे एज ए बारीदार के प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने गणना कराई थी, तब हमारी 22,000 कुछ आबादी थी सारी, आज 25 हो गई होगी। तो 25,000 जो हमारी आबादी है वो सारी सराउंडिंग माता की पहाड़ियों के पीछे रहती है, आगे पीछे रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं इनको यहाँ से छुट्टी करके और बारीदारों को बच्चों को नौकरियां दी जाएं ताकि उनका रोजी रोटी चले और उनको दर्द पीड़ा है अपनी जगह से। ये भी बात कहना चाहता हूँ, मैंने परसों जिस दिन श्रद्धांजलि अर्पित हमने की थी उसमें शायद मैंने एक बात कही थी, मुझे पूरा याद है कि मैंने ये कहा था कि घटना कहीं भी हो उसका सीधा फैक्ट्री बॉय पड़ता है, यात्रा पे पड़ता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि गाड़ी ऑटो वाला चला रहा है, उसने ओवरलोडिंग की हुई है, कहीं एक्सीडेंट मार देता है, या जिस तरीके से हमारे बैन वाले आजकल मैक्सिमम हमारे कटरा के अंदर इलीगल गाड़ियों की इतनी भरमार है, मैं कह नहीं सकता। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हैं, पैदल चल नहीं सकते, आप किसी शहरदार से पूछ लीजिएगा बाजार के अंदर इस तरीके से चलते हैं वो लोग, मतलब गाड़ियों की रफ्तार इस तरीके से होती है कि एक बंदा नीचे आया गया आया, इस तरीके की बात है, और डर के लोग चलते हैं बाजार के अंदर। और मैंने ये कल मैं अब परसों मैंने ये कहा था आपसे कि इंसिडेंट कहीं भी हो ब्लेम माता रानी को करते हैं, जहां पे बस वाला अगर कोई नशा करके बस चला रहा है एक्सीडेंट हो रही है, जहां पे नुमाई में मारता है, अगर वहां पे कोई कैजुअलिटी होती है तो लोग माता को ब्लेम करते हैं, अगर कोई पत्थर गिरने से वहां पे कोई हादसा होता है लोग माता को ब्लेम करते हैं, अगर यहाँ पे कोई ऑटो वाला कोई बंदे को मार देता है लोग माता को ब्लेम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि माता का क्या कसूर है, कसूर हमारा इंसान का है, भाई मैं नशा करके ऑटो चला रहा हूँ, मुझे कोई चेक करने वाला नहीं है, मैं बैन जहां भी चला रहा हूँ नशा करके बैन चला रहा हूँ, मुझे कोई चेक करने वाला नहीं है, मेरे से कोई हादसा हो जाए, कोई बंदे की बाजू टूट जाए। एक यात्री यहाँ पे आया है, वो दिल्ली से आया, महाराष्ट्र से आया है, कल उसको कहीं चोट लगेगी, वो माता के उसके दिमाग में है मैं माता के जा रहा हूँ, तो उसको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो उसकी श्रद्धा मैं सोचता हूँ कि श्रद्धा भंग हो जाएगी, वो माता को ब्लेम करेगा कि माता रानी मैं तेरे द्वार में आया था, मेरे बच्चे को चोट लग गई, मेरे को फलाना हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें भी सोचना चाहिए कि कटरा के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं, जो इलीगल तरीके से गाड़ी चल रही हैं, वो बंद होनी चाहिए। मेरी पूरी अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, इनके ऊपर जल्दी से जल्दी निगाह डालनी कि देवी का स्थल है वो, आदि शक्ति भवानी वहां पे है, अगर उसके द्वार में अगर ऐसी बातें अगर होना शुरू हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाज के लिए, खास करके मैं अपने बारीदारों के लिए कहूँगा, हमारे पूर्व वहां रहे हैं, हमारे पूर्व ने वहां पे पूरी पूरी जिंदगी दे दी है, तो हमारे लिए तो बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि मैं उस दिन जिस दिन ये घटना हुई मुझे 3 बजे फोन आया रात को, मैं सो नहीं पाया, और पिछले 3 दिन से मैं आपको बता दूं मैं डिस्टर्ब हूँ। किस लिए डिस्टर्ब हूँ,
कि मेरी आस्था वहां जुड़ी हुई है। मुझे पता है मेरे दादा वहां पे रहते थे, मुझे पता है मेरे भारीदार जितने भी लोग रहते थे हम वहां पे पूजा करते थे, वहां पे 24 घंटे के लिए क्या करते थे मेरे दादाजी। मतलब मैं आपको एक बात और सॉरी इस बात जोड़ना चाहता हूँ आपके आपके माध्यम से, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ भवन पे किस तरीके से जाते थे। राया कृपाल देव होते थे जम्मू के अंदर, 816 की बात है, 816 और आज 2022 है, 1000 बरस से 173 बरस से हम तो वहीं पे 1073 बरस से हम वहीं पे थे। और बाप तब वहां पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था, महाराजा हुक्म करते थे कि आपने वहां पे जाना है। बारीदार क्या थे, बारीदार एक था टर्न भाई, आज मेरी टर्न है कल आपकी टर्न है, वो बारी बारी वो बारीदार थे। तो वहां पे क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे जहां पे तेल घर से ले आते थे, जोत जलाते थे वहां पे जाके। और जोत जलाने के बाद मैं आपको बता दूं आज तो सूजी है, सब कुछ है, हलवा बन के चढ़ता है, आज तो पता नहीं कितने भोग लगते होंगे, मैं नहीं कहूँगा, बट हमारे समय में जो हमारी श्रद्धा होती थी, मुझे मुझे पूरा याद है कि आटे अपना मक्की के आटे का हलवा बना के वहाँ पे माता रानी के चढ़ाया जाता था। और जब पूजा होती थी, पूजा के वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूजा होती थी, पूजा के वक्त जोत जलती थी, उसके बाद जोत फिर क्यों यात्रा होती नहीं थी और तेल के लिए पैसे इतने होते नहीं थे, तो वो जोत को बंद कर दिया जाता था। तो ये हमारे पूर्वजों ने सहन किया है। और मैं एक बात और सुनाना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज वहाँ पे ना तो साबुन लगा के नहाते थे, ना साबुन लगा के हाथ वहाँ पे मिट्टी से, और हफ्ता हफ्ता वहाँ रहना है, ना साबुन से नहाना है, ना साबुन से हाथ धोने हैं, इतनी पवित्रता रखते थे हमारे लोग। मुझे एक बात पूरी और याद है कि वहाँ पे एक कोई वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई कुछ वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे एक जूं कहीं के चलना शुरू हो गई। उन्होंने क्या किया, पीछे किसी बंदे वाला भाई आपके पीछे जूं चढ़ी है, उसने कहा इसको मारना नहीं, उठा के वहाँ फेंक दो। ये माता के द्वार के बाहर वाला जहाँ पे अड़का होता है, मतलब इस तरीके की कहानी है, इस तरीके की बातें हमने वहाँ पे सीखी हैं। और आज वहाँ पे जो हुआ है बड़ी ही दुखद घटना हुई है, मैं सोचता हूँ कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, यात्रा पे कंट्रोल होना चाहिए, यात्रा कम से कम 25 से 30 हज़ार यात्रा जानी चाहिए। मैं कैलकुलेट करके